और वो जो पैसे देकर और जब हमारे फोन पे वो जब रोती थी कि सर मैं नहीं सीख पाई, हस्बैंड अब दोबारा पैसे नहीं दे रहे हैं कि अब तुम नहीं सीखोगी और ये सब फ्रॉड है ड्राइविंग स्कूल, तो मैं एक बात क्या कर रही हो? अरे आए थे स्कूटी सिखाने, यही चला रही है अपना, हम क्या होगा, टाइम तो निकल जाएंगे। और बताओ खाना वाना बन गया? यहाँ महिलाओं को स्कूटी सिखाया जाता है प्रशिक्षण ट्रेनर द्वारा। काम कर लूंगा, छोड़ दूंगा ये काम, ठीक है, हम लोग पूरे टीम छोड़ देंगे, दो चक्का बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा बस दो शर्त है, दो शर्त आप लोग मान लो ये अगर कंप्लेन की, चोर चोर मौसेरा भाई एक कहावत है, तो उनका ऐसे ये पेट निकला हुआ है, ऐसे पेट निकाल के हाँ बढ़ाइए। नमस्कार, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप सभी का स्वागत है। बस रुक जाइएगा, अभी वीडियो को प्लीज आप लोग स्टॉप मत कीजिएगा और कट मत कीजिएगा, बस रुकिएगा। और मेरा बस एक रिक्वेस्ट मानिएगा, आप लोग इतने दिन से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हो या जो भी यहाँ पर क्लिक भी कर दियो वीडियो पे, तो इस पूरे वीडियो को आप लोग प्लीज वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरा आज बस आज का रिक्वेस्ट है मेरा। मैं कभी नहीं आप लोग को ये चीज बोला हूँ कि वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन आज मुझे बोलने का ये मजबूरी है मेरा, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अभी चलाने वाला हूँ, वो वीडियो आप लोग देखिए और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पहले आप देखिए और प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारे साथ आज एक और मैम जुड़ी हुई हैं और आज इनका ये डे फोर है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आज इस वीडियो में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि किस हिसाब से लोगों के साथ काफ़ी सारा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि धोखाधड़ी या स्कैम टाइप से होता है। मैम जो है वो हमारे ज्वाइन करने से पहले 15 दिन का ट्रेनिंग ले चुकी हैं एक ड्राइविंग स्कूल से, जिसमें लेडी इंस्ट्रक्टर आती थी और इनको ट्रेनिंग 15 दिनों का उन्होंने दिया। पहले तो 10 दिन का उनका जो भी पैकेज था उसमें इनको ज्वाइन कराया, और 10 दिन जब नहीं ये कर पाए 10 दिन में, तो उसके बाद 5 दिन और बोल के एक्स्ट्रा इनको एड ऑन करवाया उसमें कि आप 5 दिन और ले लो, उसमें आप कर लोगे। तो 15 दिनों का ट्रेनिंग के बाद भी इनको सिखा नहीं पाए और लगभग 6000 रुपये तक इनका ले लिया और कोई रिजल्ट आउटपुट कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये एक तरह का मैं मानता हूँ कि ये एक तरह से फर्जीवाड़ा ही है, एक तरह का स्कैम ही टाइप से कह सकते हैं कि आप सिर्फ डेज पे पैसे ले ले रहे हो और उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से जितना मैम ने हमें बताया है कि हमेशा बस चिल्लाते रहना है, स्कूटी दे के कुछ भी वैसा गाइड नहीं करना है, तो इस हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा मैं मैम से भी बात करना चाहूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। स्टॉप। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि आप हमारे पास ज्वाइन करने से पहले भी आपने ट्रेनिंग लिया था? तो मैम आपने कितने दिनों का ट्रेनिंग लिया? 15 दिन। अच्छा, 10 दिन का ट्रेनिंग था, उसके बाद 5 दिन और एक्सटेंड कराया, और मतलब उसके बाद आप सीख पाई, चला पाई? हैंडल पे कमांड हुआ ही नहीं। अच्छा, क्या एक्चुअली बिहेवियर भी थोड़ा सा बहुत रूड था, और दूसरा कोऑपरेटिव भी नहीं थी वो। अच्छा, मैं तो पूरी अपना 100% दे ही रही थी जी, जी। उनकी आवाज सुन के ही मैं इतना घबरा जाती थी कि, और जब वो बोलते थे आप ही नहीं कर पा रहे, बाकी सब कर। अच्छा, आप ही को बोलती थी कि आप ही नहीं कर पा रहे। और जब 15 दिन आपका हो गया उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि स्कूटी लेके आप खुद से प्रैक्टिस करो। अच्छा, खुद से प्रैक्टिस करो। आप मतलब कुछ सीख पाई या नहीं? बस इतना ही कि सिर्फ पैर से ऐसे ऐसे आगे हो जाए। अच्छा, सिर्फ मतलब पैर घीस घीस के थोड़ा बहुत चला रही हैं 15 दिनों में, उसके बाद पैर कभी ऊपर हुआ ही नहीं। अच्छा, कभी ऊपर नहीं हुआ। तो 15 दिनों का भी रिजल्ट आप लोग सुन सकते हो। और मैम इंस्ट्रक्टर मेल थे या फीमेल थी? फीमेल। तो आपने क्या सोच के मतलब उनको ज्वाइन किया? सोच के फीमेल को, फीमेल थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट महसूस करेंगे। जी जी, ये सोच के। काफी लोग यही सोच के फीमेल लोग को ज्वाइन करती हैं और इनके साथ यही चीज हो जाता है। कंफर्ट जोन को देख के किए थे कि कंफर्ट जोन रहेगा जी। और मैम अभी आप हमारे साथ जो जुड़ी हैं, इतना अभी 3-4 दिन हो चुका है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? हैंडल तो उनकी स्कूटी का हम संभाल ही नहीं पाए, और ये हम अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, कमांड भी कर पा रहे जी। तो अब लग रहा है कि कुछ दिनों में अच्छा जी। तो मैम मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आज ही सिर्फ वीडियो बना के इनका छोड़ दूंगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगले 4-5 दिनों में मैम चलाना शुरू कर देंगे, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली अभी ना थोड़ा सा भरोसा हो गया कि कर लेंगे जी, तब मुझे भरोसा, 15 दिन करने के बाद भी मुझे भरोसा नहीं। और मैम आप ये भी कुछ कल बता रही थी कि मतलब वो डांटते रहती थी, बहुत रूड था, चिल्ला के बोलना। अच्छा, ऐसे मुझको जैसे मुझे स्कूटी दे दिया, यहाँ स्कूटी दे दिया, और वो पीछे होते थे, चलाओ रेस, तुम चलो, जब हमको हिम्मत ही नहीं है तो हम रेस कैसे दें।
वही चीज़ है कि लोग फीमेल को ज्वाइन करते हैं ताकि वो उनके भावनाओं को और समझेंगे, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब डर को निकालो, पैर तो ऊपर करना पड़ेगा, गिरना तो पड़ेगा। अच्छा, गिरना तो पड़ेगा, तो फिर ट्रेनर मैंने क्यों ज्वाइन किया है जब मुझे गिरना ही पड़ेगा। आपको ये मतलब सिचुएशन में ही आना पड़ेगा कि अगर आप गिर ही रहे हो तो फिर मेरी क्या यहाँ पे आवश्यकता है। अगर मैं अगर आ रहा हूँ और फिर उसके बाद भी अगर आप गिर जा रहे हो तो मेरे में और घर वाले में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो यही चीज़ है, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा नाम मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और आपने किस ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन किया था, और अपने ट्रेनर का अगर नाम आपको पता हो तो वो भी थोड़ा बताएं। मेरा नाम माला है और अच्छा। जो ऐप था वो आधा और उनका नाम मुझे पता नहीं, वो दीदी बोलती क्योंकि ऐप के थ्रू आए थे वो। अच्छा, आपने ऐप के थ्रू उनको कॉल किया था, मतलब वो कोई इंडिविजुअल ट्रेनर नहीं थी, वो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी। और तो यही चीज़ है मैम, काफ़ी ऐसे कंप्लेंट्स आते रहते हैं इस ड्राइविंग स्कूल से भी, पहले भी हमें हमारे पास कई ऐसे सीखने वाले आए हैं जो मतलब वहाँ से ना सीख के फिर हमारे पास ज्वाइन किया बाद में सीखा। एक्चुअली लेडीज लोग ये सोच के ज्वाइन करती हैं कि जो ट्रेनर लेडी होगी तो हम थोड़ा कम्फर्ट जोन में रहेंगे। जी जी जी, हम लोग ये सोचते हैं कि हम कम्फर्ट जोन में रहेंगे, कॉपरेटिव होगी, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। अच्छा, तो और इरिटेट हो जाते हैं, देख लिया इरिटेट हो जाते हैं, सपोज मैं नहीं चला पाई स्कूटी, मैंने एक दो बार गिरा दिया जी, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कभी आप मान लीजिए स्लिप कर रही हैं, फिसल रही हैं, तो वो संभाल पाती थी या? हम तो खुद ही हम गिरते थे मट्टी में, कितना डैमेज नहीं किया उनका स्कूटी मैंने। अच्छा, बट वो उनके मुझे लगता था कि वो बोलते हैं ना तो मैं जरूर गिरती थी उसे। अच्छा, जब तक गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अच्छा, मतलब मोटिवेट करने के बदले नहीं हो रहे थे, बोलते इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत चोट पीट तो लगता है। अच्छा, मतलब और मतलब डिमोटिवेट ही टाइप से आपको। मेरे पास सीखने आते थे ना उनका, बोलते थे वो भी गिरे थे, उनको भी यहाँ चोट आई, मगर वो सीख गए। अरे बाप, चाहते नहीं थे, मतलब चोट भी आई ये भी बता देते। हाँ, उनको चोट आई। ये तो एक तरह से वो हो गया कि आपको सपना दिखाने के बाद आपको फिर बता रहे हैं कि आप ऐसे गिर जाओगे वैसे गिर जाओ। पहले आपको ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज बताया गया था कि आप गिर सकते हो या आपको चोट लग सकती है? बस ये बोला था 10 डेज में आपको स्कूटी चलाना सिखा देंगे। 10 डेज में सिखा देंगे, ये मतलब गारंटी लिया था कि 10 डेज में हो जाएगा गारंटी। मैंने ऐप से जिससे बात हुई थी ना, जो ऐप में मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे, अच्छा, उस नंबर से एक नंबर था, तो उनसे मैंने कॉल की, बोले कि 10 डेज में आप स्कूटी चलाना सीख जाओ। अच्छा, साइकिल नहीं आती, मैंने ये भी बोला उनको, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, फोर व्हीलर आती। अच्छा, बोले तो भी आ जाए। तो ये मतलब बात का गारंटी लेने के बाद भी और फिर उसके बाद जब आपने अपना ट्रेनिंग और 5 दिन बढ़ाया, एक्सटेंड कराया, तो ऑफलाइन किया ना उन्होंने उसका, तो ऐप पे दिया ही नहीं ना उन्होंने, कहा 5 दिन आप मुझसे ले लो। अच्छा, वो डायरेक्ट ट्रेनर ही आपसे फिर बात करने लग गए। अच्छा, 5 दिन आप ले लो, 5 दिन और कर लो, पर मेरे 5 दिन पे भी कुछ नहीं। फिर जब 15 दिन मैम हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब क्या बोला? कॉल करते हैं अभी भी, कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऑफलाइन मुझे हायर कर सकते हो। अच्छा, अभी भी कॉल करते हैं कि कोई दिक्कत हो तो हायर कर सकते हो, स्कूटी ले लो आप। अच्छा, तो मैम आप और लेडीज लोग को आप क्या कहना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपको क्या लगता है कि और लोगों को क्या नहीं करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने दो ही ऐप देखा, एक दो चक्का और एक दो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी 2-3 दिन का। अच्छा, तो मुझे लगता है कि बेटर है कि आप मेल हायर करो, वो इरिटेट नहीं होते हैं, वो जॉब को जॉब समझते हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि इस काम को हमें करना है, हमें अचीव करना है। मैम ये फीमेल हो के आप ये बात कह रही हैं, इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इरिटेट इसलिए हो जाते हैं, तो वन बाय वन उनकी क्लासेस होती है। जी जी जी, अब हर लेडी हर तरह की मिलती है उनको। जी, तो उस चक्कर में वो इरिटेट हो जाते हैं। तो वही बात है, ये कोई मतलब किसी ड्राइविंग स्कूल को मैं वो पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लीजिए ड्राइविंग स्कूल खोले हैं और उसमें ट्रेनर्स अलग अलग हैं, हो सकता है कि हमारे में भी काफ़ी ट्रेनर्स अभी ऐसे हैं, लेकिन हम लोग का ये है कि हम लोग एक एक ट्रेनर से हर दिन का अपडेट लेते हैं, बीच बीच में कस्टमर जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अपडेट लेते रहते हैं। तो आपसे क्या कभी उस इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा बीच के टाइम में कि मतलब आपका कैसा चल रहा है, आप 8वें दिन 7वें दिन में कैसा कर रहे हो? सिर्फ 10वें दिन उन्होंने मेरे से बोला, वो जो ट्रेनर थी ना दीदी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा ना फीडबैक दे देना, नहीं तो मेरी जो बच्चे पैसे ना मुझे नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब आप सीख भी नहीं पाए उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है कि फीडबैक दे देना, फीडबैक दे देना, नहीं तो मुझे अगर आपको कॉल आएगा और अगर आपने मेरे लिए कुछ भी बोला ना तो मेरे पैसे अटक जाएंगे। अरे, मैंने कहा ठीक है, किसी के साथ क्यों बुरा करना है। जी जी, मतलब आप इतना नहीं सीखने के बाद भी आपने उनके लिए एक अच्छा काम किया। उन्होंने मुझसे पूछा, कॉल आया तो उन्होंने पूछा कि आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं जी, अब आप स्कूटी चला सकते हैं? मैं हाँ चला सकती हूँ, मगर मैं नहीं चला सकती थी। अच्छा मैम, ये लेकिन आपने ये चीज आपको नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि वो ट्रेनर में कुछ अगर गड़बड़ हो अगर ड्राइविंग स्कूल, तो ये चीज आपको वहाँ पे सही रिव्यू देना चाहिए। जी जी, इमोशन के चलते आपने अच्छा बोल दिया और उसके बाद इनका पैसा अटक
जी तो मुझे ही ब्लेम करेंगे। हाँ हाँ वही चीज से इरिटेट है। हाँ। चलो अच्छा तो मैम वही चीज बना लिया था कि कभी भी दिल्ली में दो चक्का आएंगे तो मैं उनसे करूँगी। अच्छा और अभी आप कितने दिनों से वेट कर रही थी हमारा? मैंने दो चक्का पे 3 महीना पहले भी एक बार कॉल किया था, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, तब बोला था कि नहीं अभी हम दिल्ली में नहीं। जी तो अभी मतलब जो लोग भी देख रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा देख लें, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ही ज्वाइन करें, हो सकता है कई ऐसे ट्रेनर्स होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे और अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ चेक कर लेना है पहले कि मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि आप फीमेल को सीखने के बजाय आप किसी मेल के साथ अगर सीखते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। हमारे ड्राइविंग स्कूल में भी मतलब जितने भी ट्रेनर हैं उसमें से 95% लोग हमारे मेल ही जुड़े हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो स्ट्रेंथ और जो मतलब एक चीज़ होता है ना पीछे पीछे दौड़ना भागना आपको बैलेंस बनाते टाइम। अच्छा दौड़ते भी नहीं थे। अच्छा कभी दौड़ी बॉडी नहीं है और इधर ऐसे पकड़ो स्कूटी को, उन्होंने ये पकड़ा। अच्छा तो ये तो जैसे घर वाले डायरेक्टली बताते हैं वही काम आपको करवा रहे हैं। अच्छा तो यही चीज़ है, मैं मतलब मैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं वही चाहता हूँ कि आपके साथ ये गलत ना हो। मैम की तरह कई लोगों के साथ ऐसा गलत हो जाता है लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं कि किसी को हम लोग को टारगेट नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ जो चल रहा है ना ये बहुत ख़राब चीज़ चल रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लोग जो उम्मीद लेकर आए हैं कि मुझे मतलब स्कूटी सीखना है, बहुत मुश्किल से घर से परमिशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, जैसे कोई इंडिपेंडेंट है वो तो खुद से पे कर रही हैं, लेकिन कभी किसी के फादर किसी को दे रहे हैं, किसी के हस्बैंड किसी को दे रहे हैं, और ये चीज़ होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो घर वाले सोचते हैं कि तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो एक कहावत है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़, तो ट्रेनर अगर आपके सही रहेंगे ना तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सीख ही नहीं सकते हो, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। तो हमारे पास जो भी लोग आए हैं वो गारंटी के साथ हम लोग ये ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई किसी जगह पे छुप छुपा के बोल रहे हैं, जितने लोग आए हैं बिल्कुल ट्रेनिंग दिया गया है, उनके साथ जेन्युइनिटी हुआ है, किसी का एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है हमने। ठीक है टाइम भी वेस्ट हुआ, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी खुद में भी लोग अपना मोरल डाउन हो जाता है कि मेरे से ये काम नहीं हो पाया, मेरा इतना पैसा भी लग गया, तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं हर एक ड्राइविंग स्कूल को बोल रहा हूँ, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर एक ड्राइविंग स्कूल इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग अगर इस फील्ड में हैं तो हम लोग को एक मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को हम लोग अच्छे से मतलब डिलीवर करें। जो लोग उम्मीद करके आते हैं ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं पैसे देने के बाद, उसको उस उम्मीद पे खड़े उतरें उनके उम्मीद पे और उनको एक अच्छा सर्विस दिया जाए। ठीक है तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, इससे आपको क्या समझ में आया? ऐसे तो पूरे वीडियो में आपको टोटल चीज समझ में आ गई क्योंकि उसमें उसी में वीडियो में क्लियर आपको हो गया है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैंने वीडियो में ड्राइविंग स्कूल का नाम कट कर दिया है। अब ये नाम कट करने का मतलब ये नहीं वो सोचे जो भी, क्योंकि वो ड्राइविंग स्कूल मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये नाम कट करने का मतलब ये ना सोचे कि मैं उनसे डर गया हूं। ठीक है पहली चीज बताता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपका हार्म हो, ये हमारा वार्निंग रहता है और हमेशा मैं वार्न ही करता हूं लोगों को, मैं कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आप भी काम करो मैं भी काम करूं, हर लोग का काम है। अगर मान लो आप सिखा रहे हो स्कूटी, भाई हम दोनों भाई हैं, ठीक है अब आप अगर सिखा रही हो हम दोनों भाई बहन है, ठीक है, लेकिन जहां आप गलत करोगे तो मुझे ये फिर मजबूरन वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको मैं सिंगल दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास अगर अभी आप सिर्फ बोल दोगे आप लोग तो मैं कम से कम ऐसी ऐसी वीडियो 20 वीडियो डाल दूंगा। ये दिल्ली ब्रांच में ट्रेनिंग हो रही थी और वहां की ये वीडियो है, और दिल्ली में हम लोग आना इतना जरूरी हो चुका था कि हर 2 दिन पे एक कॉल जरूर आता था जहां पर ये बोला जाता था, और वो जो पैसे देकर और जब हमारे फोन पे वो जब रोती थी कि सर मैं नहीं सीख पाई, हस्बैंड अब दोबारा पैसे नहीं दे रहे हैं कि अब तुम नहीं सीखोगी और ये सब फ्रॉड है ड्राइविंग स्कूल, तो मैं एक बात उनको बता दूं कि हर लोग फ्रॉड नहीं होते, दिल्ली में हर लोग फ्रॉड नहीं है, बस आपको सही का पहचान करना जरूरी है। सबसे पहले अब जितनी भी ड्राइविंग स्कूल ये बात बोलती है कि ये नया नया दो चक्का आया है और अपने आप को बहुत ये आगे बढ़ाना आगे दिखाना चाह रहा है, भाई ऐसे नहीं आगे दिखाया हूं, ऐसे नहीं दिखाया हूं, ये जितने 1 लाख लोग जुड़े हैं ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, मैं इनको पैसे देकर नहीं जोड़ा हूं, अपने मेहनत से इनको रिजल्ट दिया हूं तब ये जुड़े हैं हमारे साथ। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना आसान भी नहीं होता है हर चीज, उसके पीछे कितना मेहनत कितनी मतलब परेशानी आती है, बीच में बहुत सारी परेशानी भी आई, शायद मैं उस चीज को आप लोगों के सामने शेयर ना कर पाऊं,
है ना, क्योंकि परेशानी को शेयर करना मुझे नहीं लगता है कि मतलब बोलते हैं ना कि किसी को अगर दुख है तो उसे और दूसरे को मैसेज देकर फिर आप लोग भी दुखी हो गए, तो वो सब छोड़ो, मेरे साथ जो हुआ होते रहता है, ठीक है। आप लोग का जितने भी इतने व्यूवर जो 1,00,000 लोग हैं मेरे ऊपर जो भरोसा किए हैं, मैं उनका बस भरोसा विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, ठीक है, और उस विश्वास ना तोड़ने के लिए ये आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जहां से भी सीख रहे हो, जहां से भी कोई भी ड्राइविंग स्कूल से सीखो, घर से सीखो, मैं तो यही बोलूंगा जहां भी आप लोग ज्वाइन करना, सबसे पहले उनसे ये पूछ लेना कि आपका कैसा कोर्स है, क्योंकि आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, हर ड्राइविंग स्कूल वाला ये वाला जरूर बात बोलेगा कि मैम हमारा 10 डेज का कोर्स है, 10 डेज में आपको बिल्कुल चलाना आ जाएगा, सब लोग मैम सीख जाते हैं 10 दिन में। आप अभी नए हो, आपको कुछ नहीं पता है, वो 10 दिन इसलिए बोलते हैं ना कि 10 दिन में अगर आप नहीं सीखे तो आप पे वो ब्लेम करके आप पे ब्लेम कर देते हैं, और उसके बाद आपको बोलते हैं मैम सब सीख गई, आप नहीं सीख पाए, आप स्लो लर्नर हो, आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो स्कैम है, ये स्कैम के चलते मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, और स्कैम बहुत बड़े लेवल तक अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मैं इसी को रोकने के लिए आया था, और ये कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है। और इसमें लोग जो बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, ये कहावत है, तो मेरे को भी बहुत ऑफर आई अलग अलग ड्राइविंग स्कूल से, हम दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन जब हमने अपना ऑफर उनके साथ रखा कि मैं ऐसे काम करता हूं, मेरा ये है कि हम लोग जब तक चलाना ना आए तब तक सिखाते हैं, क्या आप सिखाओगे, तभी हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ, सीधे वो मना कर दिए कि हमारा 10 डेज का है, 10 डेज में हम लोग सिखा देते हैं। मैं उनसे जब पूछा कॉल पे कि अगर 10 डेज में वो नहीं सीखे, क्योंकि हम लोग भी सिखा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और ऐसा बहुत लोग होता है जो 10 दिन में नहीं सीखता, आगे मुझे देना पड़ता है 12 दिन 13 दिन 14 दिन देना पड़ता है, मैं दिया हूं, कोई अगर कमेंट ऐसा कर दे कि नहीं देता हूं, मैं मान ही नहीं सकता हूं, मैं खुद पर्सनली देता हूं, मेरे ट्रेनर देते हैं, तो सीधे वो कॉल कट करके और रख देते हैं, बोलते हैं मेरे से ऐसा मतलब मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है भाई कि ये 10 दिन का जो चार्ट होता है, 10 दिन का उनका ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग नहीं होता है असल में, ये सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, सबसे आसान तरीका। और जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग जो सिखाते हैं वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग भी इस ट्रैप में आ जाते हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आवाज उठा सकता है, क्योंकि पता है कि अगर आवाज उठाएंगे दूसरे कोई हार्म करेंगे, मुझे कोई डर नहीं लगता है, सबसे पहली बात बता दूं, मैं किसी से भी डरता नहीं हूं, और ये वीडियो बस नाम इसलिए कट किया हूं क्योंकि वार्निंग है। और मेरे व्यूअर्स, जितने लोग भी सुन रहे हो, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जहां भी आप सीखे हो, अगर आपके साथ सच में ये ऐसी टाइप की फ्रॉड हुई है, आप नहीं सीख पाए हो, उस ड्राइविंग स्कूल का नाम मेंशन करो कमेंट में। अगली बार अगर मैं उसका नाम नहीं लिया, वो ड्राइविंग स्कूल फिर उससे छोड़ना पड़ेगा या अपनी सर्विस को सुधारना पड़ेगा, मैं वार्निंग बार बार दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं हमारे पास, रोज कॉल आते हैं, क्यों आते हैं भाई, जबकि मैं उनको सिखाया भी नहीं हूं, मैं उस शहर में हूं भी नहीं, क्यों मेरे पे इतना भरोसा करके आप लोग कॉल करते हो कि मुझे यहां से पैसे दियो, और फिर मेरे पैसे लेकर कोई भाग गया, तो कोई मुझे ट्रेनिंग नहीं दिया, तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी। लेडीज ट्रेनर का सबसे ज्यादा स्कैम चल रहा है, आप लोग बोलते हो ना कि कंफर्ट फील कराती है, कंफर्ट फील नहीं कराती भाई, सबसे बढ़िया पार्ट टाइम जॉब ये हो चुका है आजकल। स्कूटी लो, घर में अगर एक स्कूटी है, लेडीज कोई भी उठाती है, और स्कूटी अगर चलाना उनको आता है तो बस एक ही चीज बोलती है, मैं ट्रेनर हूं, हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आज आप लोगों को बोल दूं मैं बचपन से ही सिखा रहा था, 15 साल से, आप लोग मान लोगे, अरे यार हो सकता है, इतना ये अच्छा बताते हैं, 15 साल से सिखाते होंगे, आप लोग मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने के लिए, मैं जो सच्चाई है सच्चाई है भाई, 3-4 साल से सिखा रहा हूं, बस आप लोगों ने प्यार दिया आज इतना आगे दो चक्का है, और मैं अपने आप को कभी क्रेडिट नहीं मानता हूं, हमारी पूरी टीम आज जो हमारे साथ खड़ी हुई थी और अभी तक खड़ी है, उनके बदौलत आज मैं यहां पर हूं और मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूं। और जो ड्राइविंग स्कूल वाले मुझे कॉल करते हैं, दूसरी चीज, ड्राइविंग स्कूल वाले कॉल करते हैं कि बंद करने के लिए, और बहुत चीज मैं बंद कर दूंगा, सीधा सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि इसी से मेरा, मैं कुछ दूसरा काम कर लूंगा, छोड़ दूंगा ये काम, ठीक है, हम लोग पूरे टीम छोड़ देंगे, दो चक्का बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा बस दो शर्त है, दो शर्त आप लोग मान लो, ये अगर कंप्लेन आना बंद हो गया, दो शर्त जो मैं है रखता हूं आप लोगों के सामने। पहला शर्त ये है, जो आप लोग 10 दिन का पैकेज चला रहे हो, आप लोग उसमें अश्योर्ड करो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 10 दिन में सिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर, लेकिन जो लोग नहीं सीख रहे हैं 10 दिन में, उनका भी आप पहले से ऑप्शन रखो, मतलब उनका कुछ बताओ कि अगर 10 दिन में आप नहीं सीखे तो आगे मैं आपको टाइम दूंगा, अगर सीख गए तो ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप लोग, पहला शर्त ये, दूसरा शर्त,
स्कूटी का जो भी आप लोग पेमेंट लेते हो फर्स्ट डे पेमेंट लेकर, दूसरे दिन से बहुत लोग का फोन स्विच ऑफ आ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल आप लोग पेमेंट करते हो ना, उनका कहीं कुछ कुछ भी नहीं है, ना कोई जानकारी लेते हो ना कुछ, पेमेंट लेकर फ्रॉड करके और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब क्या होता है उसमें, जो सही है, जो ड्राइविंग स्कूल सही है, उन पे अब अगले जो है कस्टमर वो भरोसा नहीं कर पाते कि ये भी ऐसा ही करेगा, पैसा लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉड बहुत हो रहा है। ये अगर दो बात अगर आप लोग मान लोगे, जितनी भी ड्राइविंग स्कूल है, मैं यही अपील करना चाहूंगा यूट्यूब के माध्यम से कि अगर ये आप लोग मान ले तो मैं ये पक्का बंद कर दूंगा, गारंटी है, वीडियो पे मैं खुलेआम बोल रहा हूँ पब्लिकली, मैं बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा ये काम। बस मेरा मेन मोटिव यही है कि बस महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोड पे मुझे महिलाएं दिखनी चाहिए स्कूटी लेकर, जितने मेल मेंबर है ना उतनी फीमेल मेंबर बस हो जाए, फिर मतलब एक होता है ना कि हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। मुझे लगता है कि ड्राइविंग के मामले में लोग इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाए हैं, बहुत ही ज्यादा, कि महिलाएं हैं, लड़की है, पापा की परी, और क्या क्या लोग बोलते हैं ये नहीं चला पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल चलाएंगी, ये लोग भी चलाएंगे, अगर इन लोग को सही तरीका बताया जाए ना तो क्यों नहीं चलाएंगी भाई, ये लोग भी एक इंसान है। आप बचपन से अपने पेट में से पल कर कुछ अपना सीख के नहीं आए, मैं नहीं सीख के आया हूँ, मुझे भी कोई सिखाया है ना, जब मैं उस एज पे आया था। तो इसीलिए मैं आप लोग से बस यही बोलूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में जो स्कूटी सीखने का प्लान कर रही है, बस एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर दिखाना, मेरे कोई वीडियो को शेयर लाइक कुछ मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और दो चक्का से जहां भी हमारी सर्विस है, रांची, पटना, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जमशेदपुर, ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे लोग ट्रेनिंग के तहत स्कैम करते हैं, ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग है कैसे आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं ट्रेनर जो 10 दिन का ट्रेनिंग चलाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर जितना डेज उनका बढ़ता चला जाएगा, मान लीजिए आज आपका छठा दिन है, सातवां दिन है, ठीक है, अगर आप फिर भी अगर नहीं सीख रहे हो तो किसके ऊपर प्रेशर जाएगा, आपके ऊपर। आप तो अपने डेज काउंट कर रहे हो, ट्रेनर अंदर अंदर घर जाके खुश हो रहा है, घर जाके खुश हो रहा है कि आज तो मेरा सातवां दिन है, बस 3 दिन बचे, ना सीखे चल भाई कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से बोलेंगे मैम आप नहीं सीख पाई, पैसे फिर दो, 10 दिन, अगली 10 दिन में आप पक्का सीख जाओगे, ठीक है, ये स्कैम चल रहा है। दूसरा चीज, ट्रेनर आज के डेट में जो भी पुरानी ड्राइविंग स्कूल है, जो कार सिखाती थी आज से 10-15 साल पहले, लेकिन अब उनको समझ में आया कि अब लेडीज लोग तो स्कूटी सीख रही है, भाई डाल दो दो स्कूटी, कितना का आएगा सेकेंड हैंड स्कूटी, 20,000-25,000, दो डाले 50,000 में, दो डाले, एक दो ऐसे ही लड़का पकड़ लिए, चलो हाँ मैम स्कूटी, यहाँ महिलाओं को स्कूटी सिखाया जाता है प्रशिक्षण ट्रेनर द्वारा, ठीक है, ऐसे करके अब वहां पर आए कि अरे ये ड्राइविंग स्कूल में स्कूटी सीख, हाँ सर एडमिशन लेना है, लाइए पैसा दीजिए, 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग है, फिर वही बात हो गया। अब जिनके मैं देखा हूं, एक ऑन फील्ड मैं बता रहा हूं, ऑन फील्ड एक पूरा मतलब आदमी था, उसका ऐसे ये पेट, जो ये जो पेट है उनका ऐसे, ये पेट निकला हुआ है, ऐसे पेट निकाल के हाँ बढ़ाइए आ जाइए, मतलब क्या है भाई, तुम क्या दे रहे हो, तुम एक कंडक्टर हो कि बस को बैक करवा रहे हो, हाँ ऐसा ऐसा नहीं होता है। ट्रेनर का मतलब होता है कि जो सीख रहे हैं उनके पीछे पीछे साथ में रहना है, उनको एक एक जो भी गलतियां हैं, माइनर मिस्टेक्स उनको बताना है, छोटे छोटे मिस्टेक्स। लेडीज लोग क्या करती हैं, फीमेल ट्रेनर एक तो मैं जमशेदपुर जब कैंप में गया था, मैं बता रहा हूँ जमशेदपुर कैंप में गया था, तो सिखा रही थी और वो बैठ कर फोन पे बात कर रही थी, तो मैं तो अपने जो भी क्लाइंट है उनको सिखा रहा था, वो जो मैं सिखाते वक्त क्या किया कि उनकी जो क्लाइंट थी वो गिर गई, ठीक है, अब मैं कैमरा लगा हुआ था मेरे हेलमेट में, वो आई डायरेक्ट, वो मेरे को पहचान गई, यूट्यूब पे कहीं देखी होंगी, बोली सर प्लीज वीडियो मत डालना आप मेरा, मैं इनको बहुत ध्यान देती थी, बस अभी वो चलाने लगी मैं छोड़ी। कैसे आप छोड़ के बैठ सकते हो यार, आप आराम करने आए हो, आधे घंटे की ट्रेनिंग दे दो, कम से कम आधे घंटे तो ध्यान दे दो उन पे, उनका देखो क्या अभी परफॉर्मेंस है, ठीक है, अगर जब अच्छे चलाने लगे तब तो आपको कुछ नहीं करना है, खड़े ही रहना है, ऐसा नहीं कि वो चलाने लगे आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। हम लोग भी सिखा देते हैं, जब वो चलाने लगे तो सिर्फ उनको देखते हैं कि अब वो क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं चला रहे हैं, वो लंबा चला रहे, हिल रहे हैं, अभी क्या दिक्कत आ रही है, हैंडल पे प्रेशर जा रही है, वो सब बताना पड़ता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस का स्कैम सुनिए क्या होता है। आपको 10 दिन उन्होंने सिखाया, आप नहीं सीख पाए, सिर्फ आप गाड़ी को संभालना सीखे और गाड़ी को थोड़ा थोड़ा करके, जिसको हम लोग ड्रिल बोलते हैं, छोटा छोटा स्टेप करके आगे बढ़ाते हैं। अब उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, मैम अभी आपको टाइम लगेगा,
कम से कम 15-20 दिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ये हम लोग सबको ऐसे ही करवाते हैं, 15-20 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आपका। अरे भाई वो काम वो खुद से भी कर सकते हैं, मैं तो ये बोलूंगा अगर ऐसे ट्रेनर आपको बोलते हैं 2-4 दिन आपसे पूरे पैसे लेके और 2-4 दिन ट्रेनिंग देकर और ड्रिल करवा दिए और उसके बाद बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो, तो मैं एक ही सजेशन देता हूं कि अपने घर वाले को सिर्फ 1-2 दिन रखना है, 1-2 दिन। और YouTube पे मैंने इतनी अच्छी से वीडियो डाला है, उस वीडियो को देखिए और सिर्फ ड्रिल करना आप सीख जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरे YouTube पे इतने व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि मैं आपका सिर्फ वीडियो देख के सीख गई, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है, कसम से बता रहा हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि आगे क्या होगा, बस मैं अपना पूरा एफर्ट उस वीडियो में और पूरा अपना जितना नॉलेज होता है मैं दे देता हूँ कि ऐसे आप लोगों को करना है, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज। और जब उससे रिजल्ट आता है तो मैं कमेंट पढ़ के खुश हो जाता हूँ। तो बस अगर आपको अगर ये है कि मेरे अंदर पेशेंस है, 1-1.5 महीना लगेगा, कोई बात नहीं, YouTube पे वीडियो देखो, कोई घर के सिर्फ स्टार्टिंग में 2-3 दिन बस एक्सीलेटर पे जब तक हाथ सेट ना हो आप रोज लेकर निकलिए, देखिए आप सीख ना जाए तो मेरा नाम आप बदल देना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस बैलेंस वो तुरंत बन जाएगी भाई, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। जहां तक बात रहा अब लेडीज लोग करती क्या है, देखिए आप लोग के साथ स्कैम क्या होता है, आप हो बिगिनर, आप आते हो सीखने, जब ग्राउंड या कहीं रोड पे आप सीख रहे हो, जब यहाँ से आप जाने लगते हो, मतलब आपका जब उनका पीठ दिख जाता है, क्या करती हैं, फोन ऐसे कॉल पे रहा, फोन निकाली, हाथ में ही रखती हैं ऐसे भी, ठीक है। जब आपका पीठ दिखने लगा, आप उधर जाने लगी, आराम से ऐसे फोन निकालेंगे, हाँ क्या कर रही हो, अरे आए थे स्कूटी सिखाने, यही चला रही है अपना, हम क्या होगा, टाइम तो निकल जाएंगे, और बताओ खाना वाना बन गया, मतलब वो घर का अपना काम करना शुरू कर दी, फोन पे लग गई, फिर जैसे आपका फेस दिख गया, आप सामने से आ रहे हो, बस आपको क्या करेंगे, ऐसे फोन, रुको ना आ रही है वो, रुको आ रही है, अभी नीचे रखते हैं, रुक जाओ थोड़ा लाइन पे रहना, क्या मैम आप क्या कर रही हैं, आप नजर सामने देखती ही नहीं है, इधर से उधर हैंडल हिलाती हैं, असल में आपको वो देखी नहीं कि आप गलती क्या किए, बस आपको डांट दी आते वक्त, है ना, और उस डांट से आप खुद हो गए, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है यार, ये ट्रेनर सही बोल रही है, नहीं भाई ये स्कैम है आपके साथ, मैं बता रहा हूँ पूरा स्कैम एक्सपोज कर रहा हूँ आपके सामने कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैं जिस फील्ड पे सिखाता हूँ वहां पर कई ट्रेनर होते हैं और मैं बहुत लोग का ट्रेनर का वॉच करता हूँ एक्टिविटी, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मतलब है भाई, उनकी अपनी बिजनेस है, अपना वो काम है, कर रही है करने दीजिए, लेकिन मैं आप लोग को ये एक तरह से एज अ चेतावनी है आप लोग के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो को शेयर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस तो देखो भाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करनी पड़ेगी, जब तक आपको चलाना नहीं आएगा, हम लोग भी छोड़ते हैं, हम लोग भी अपने जितने भी सीखने वाले उनको छोड़ते हैं, प्रैक्टिस करो ना भाई, लेकिन कब, जब तक आपको पैर हवा में करके या ऊपर करके आप लंबा नहीं चला लो, एक फ्लो में अगर आप लंबा ना चले जाओ, टर्न करके खुद से लेकर ना आ जाओ, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रैक्टिस हम लोग कब करवाते हैं, जब आपको रोड के आने से पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग चलवाते हैं। तो ये बात एकदम आप लोग छोटी छोटी जो ये चीजें है ना, ये ड्राइविंग स्कूल वाले ये स्कैम कर रहे हैं, मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूं, अगर मेरे यहां से भी कोई स्कैम हो रहा है तो आप लोग बस बोलिए ना मेरे इस नंबर पे, मैं उठाऊंगा कॉल, कोई और नहीं उठाता है, मैं उठाऊंगा और उसका हल मैं निकालूंगा, क्योंकि ट्रेनर ज्वाइन करना, मैं इतना आसानी से तो ज्वाइन नहीं करवाता हूं ट्रेनर को, हमारे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है, वो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी हमारे साथ जुड़ोगे, और इसलिए हमें लेट लग रहा है हर शहर में आने के लिए। आप लोग कमेंट करते हो ना इस शहर में आओ, इस शहर में आओ, बस यही रीजन है, क्योंकि बेस्ट का मुझे इंतजार है, लेट आएंगे लेकिन लेटेस्ट आएंगे, बता दे रहे हैं आप लोग को। चलिए फिर ठीक है,